सभी को नमस्कार। और जैसा कि आपको मालूम है, आज की चर्चा के केंद्र में है व्यवसाय उपनिषद यह पुस्तक, जो टेक्निकली स्पीकिंग तैयार है लेकिन कुछ हद तक लॉकडाउन के कारण ये प्रिंटिंग में नहीं जा पाई है अभी तक। और इस पीरियड का जो बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता था उस को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पुस्तक को डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इस समय शुरू किया हुआ है। पूरी पुस्तक का एक पैरेलल ऑडियो भी बना रहा हूं मैं। तो कुल मिला के ये एक कंप्लीट प्रोग्राम के रूप में अब आने वाले समय में लगभग लॉकडाउन पूरा होने के या जो जो बंद वाली सिचुएशन है वो पूरा होने के थोड़े समय बाद अवेलेबल हो जाएगा, जब ये एक पुस्तक होगी। इसके साथ साथ ऑनलाइन ऑडियो प्रोग्राम अवेलेबल होगा इस पुस्तक के पैरेलल में, और एक ऑनलाइन फोरम के साथ ये एक कंप्लीट सोल्यूशन के रूप में उद्यमी वर्ग के लिए विशेष कर अवेलेबल रहेगा। और एक प्रश्न जो होता है कि व्यवसाय धर्म से क्यों जुड़े और कैसे जुड़े, और इस प्रश्न को अलग अलग तरह से अभी तक उत्तरित किया गया है। इट हैज बीन आंसर्ड इन नंबर ऑफ वेज, लेकिन संभवतः यह पुस्तक जो एक वॉयड है, एक जो कमी है, उसको पूरा करेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी टॉक का जो फॉर्मेट है वो तीन भागों में है। पृष्ठभूमि, और पृष्ठभूमि मतलब कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम आएंगे, एक हल्का सा प्रीव्यू करेंगे पूरी पुस्तक का। काफी बड़ी पुस्तक है, 512 पृष्ठों की, तो कुछ पेजेस के ग्लिम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये दोनों पार्ट पूरा करने में लगभग हमें 35 से 40 मिनट का समय लगेगा, और उसके बाद फोरम ओपन रहेगा। मैं आपके विचार जानना चाहूंगा और आपके प्रश्न लेना चाहूंगा। तो ये तीसरा पार्ट रुचि जी के माध्यम से आप लोग प्रश्न पूछेंगे, और सारे प्रश्न आने के बाद संभवतः 15-20 मिनट हम प्रश्न उत्तर के लिए रखेंगे, आपके विचार के लिए रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धर्म और सनातन की बात जैसे शुरू होती है तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं, और हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जहां लगभग पिछले 1000 वर्षों से विश्व के जीडीपी का 30% शेयर तक हुआ करता था। इस ग्राफ को मैंने विकिपीडिया से लिया है और ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है मैंने। और आप ये देखिए, ये जो पीच कलर का, जो क्रीम कलर, आई मीन लाइट पिंक कलर का जो बैंड है, ये भारत की जीडीपी दिखाता है। और एक समय था लगभग 1000 साल पहले, 1000 वर्ष पहले, जब ये विश्व की जीडीपी के शेयर का 30% तक हुआ करता था। मतलब ये कि भारत में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होने के पीछे उद्यमिता होती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये संभव हो पाया था, जैसा कि एक संगम टॉक में ही बताया गया था, कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में अनेक महासागरों, हिंद महासागर से सुरक्षित होने के कारण अनेक छोटी छोटी रियासतों, अनेक छोटे छोटे राज्यों के होते हुए भी हमने एक शेयर्ड आइडेंटिटी के साथ अपनी रहन सहन, अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि अर्जित की थी। शेयर्ड आइडेंटिटी, यह वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। फिलहाल इस पर हम आने वाले स्लाइड में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। शेयर्ड आइडेंटिटी, एटलीस्ट उस संगम टॉक में यह बताया गया था कि राज्य तो अलग अलग थे लेकिन उन्होंने आपस में भारतवर्ष की जो एक अस्मिता थी उसको उड़ा था, उसको उसको स्वीकार किया था। तो भारतवर्ष की अस्मिता के साथ, भारत राष्ट्र की अस्मिता के साथ, छोटे छोटे राज्य होते हुए भी हम बहुत प्रगतिशील एक व्यवस्था थे। और यहां पर रुक के, एटलीस्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के समय में जो हो रहा है उसको यदि कंपेयर करें, तो धर्म के जिस विकृत रूप का और जो दुरुपयोग, धर्म शब्द का जो दुरुपयोग आज हम देखते हैं, ऐसा कुछ हमें शायद 300-400 साल पहले या 1000 साल पहले मालूम भी नहीं था। धर्म शब्द जो हमें
बताया गया है हमारी लिटरेचर में, हमारे साहित्य में, हमारे हमारे पुराने ग्रंथों में जो है वो ये कि धर्म अर्थात आइडेंटिटी, लीनियज और टेंडेंसी, बेसिक टेंडेंसी, ये भी मैं एक संगम टॉक को ही कोट कर रहा हूँ। और आइडेंटिटी मतलब एक पहचान, लीनियज अर्थात हमारी हमारी जो हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो एक निरंतरता है वो, और टेंडेंसी अर्थात प्राकृतिक रूप से हम क्या करने में सक्षम हैं, हम क्या करना चाहते हैं, बिना ज्यादा विचार किए हुए, बिना ज्यादा सीखे हुए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज दैट बेस्ट दैट वी कैन डू आउट ऑफ आवर नेचुरल क्वालिटीज, सो दैट इज आवर धर्म। और ये विकृत रूप जो आज हम देखते हैं वो शायद धर्म से बहुत दूर है। खैर, इस बात पर हम वापस आएंगे, और मैं पृष्ठभूमि पे थोड़ा समय व्यतीत कर रहा हूं लेकिन इसकी महत्ता कम करके ना आके, क्योंकि व्यवसाय उपनिषद एक बड़ी किताब है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसको सही मायनों में स्थापित करने के लिए इसके पृष्ठभूमि की समझ बहुत जरूरी है। तो जैसा आप देख सकते हैं फिलहाल ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर एक सर्कल नजर आ रहा होगा और कुछ नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन यदि पृष्ठभूमि थोड़ी सी बदल दी जाए तो सडनली ये हम देखते हैं कि हमारे को जो मैसेज है, जो संदेश है, उसकी प्रखरता, उसकी जो स्पष्टता है वो समझ में आ जाती है। इसलिए पृष्ठभूमि में जब मैं थोड़ी बातें कर रहा हूं तो धैर्य के साथ उसको सुनिए, क्योंकि उस पृष्ठभूमि के बिना संदेश पुस्तक अपने आप में निरर्थक है। इट्स जस्ट अनदर बुक इन द मार्केट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बैकग्राउंड के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं उसको ध्यान से देखें। जैसा बोला जाता है कनेक्टिंग द डॉट्स, ये कनेक्टिंग द डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक मिनट को रिपीट करते हैं। 1000 साल पहले तक हमारी जीडीपी विश्व की जीडीपी का 30% हुआ करता था, जो आज घटकर 4, 5, 6 और 7% के रेंज में है। जीडीपी अर्थात यदि किसी देश में हमें 100 रुपए की चीजों की जरूरत है और उसमें से सिर्फ 30 रुपए की चीजें हमारे यहां बन रही हैं, तो हमारा जीडीपी 30 रुपए हुआ। इसका मतलब ये कि 70 रुपए की चीजों के लिए हम किसी और देश पर निर्भर हैं, आश्रित हैं। तो जीडीपी जितना ज्यादा होगा डेफिनेटली समाज में आत्मनिर्भरता उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो अभी जो आत्मनिर्भर निर्भर भारत की जो विचार मंथन चल रहा है उसके लिए जीडीपी शब्द को समझना जरूरी है। जीडीपी शब्द का मतलब ये सिर्फ ये होता है कि हमें कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है और उसमें से कितने वस्तु हम बना रहे हैं। तो हमारी एक शेयर्ड आइडेंटिटी रही, और शेयर्ड आइडेंटिटी का मतलब हमारी पहचान, हमारी लीनियज और हमारी जो प्राकृतिक गुण है, और इस प्राकृतिक गुण टेंडेंसी, बेसिक टेंडेंसी शब्द को अभी हम ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। धर्म के इन 3 शब्दों की परिकल्पना में अवश्य ही उद्यमिता यानी एंटरप्राइज, स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज हमारी आइडेंटिटी का भी हिस्सा था, हमारी लीनियज का भी हिस्सा था और हमारी बेसिक टेंडेंसी का भी हिस्सा रहा होगा, क्योंकि उद्यमिता के बिना 30% जीडीपी तो आप भूल जाइए, 10 रुपए भी कमाना मुश्किल है। तो उद्यमिता एक ऐसा शब्द है जिसको धर्म के समीप वापस आना पड़ेगा, और ये कैसे होगा और क्यों होना जरूरी है ये चीज इस चर्चा के माध्यम से और इस पुस्तक के माध्यम से एक बार स्थापित होगी। बैकग्राउंड में जो पिक्चर्स मैं यूज कर रहा हूं उसका भी एक बहुत कोरिलेशन है। मेरी एक हाइपोथेसिस है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैकॉले ने एक बहुत ऐतिहासिक रिपोर्ट सबमिट की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसका एक सेंटेंस है कि भारत को यदि नियंत्रण में लाना है तो सबसे पहले हमें वहां की शिक्षा पद्धति को तोड़ना होगा। उनको अपनी शिक्षा पद्धति के प्रति हीन भावना से भरना होगा, ये विचार मैकॉले ने रखे थे। मेरी हाइपोथेसिस है, और ये शायद हमें हम पार्टिसिपेंट्स में से और हमारे श्रोताओं में से यदि कोई रिसर्च में इंटरेस्ट रखना चाहते हो, एकेडमिक्स में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है।
कि जिस तरह शिक्षा को एक योजनाबद्ध तरीके से, भारतीय शिक्षा को एक योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया था, मेरी हाइपोथेसिस यहां पर यह है कि हमारी उद्यमिता को भी योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया है। ये एक स्ट्रांग स्टेटमेंट है, इसको विचार करने के लिए हमें नोट करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए, इस क्षेत्र में नए नैरेटिव्स लिखने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तब जाके जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं हम, वो शायद पूरी हो पाएगी। रीसेंट रिसर्च का एक रेफरेंस देना चाहूंगा मैं। एरिक्सन और कार्नेस ने एक बहुत लंबे रिसर्च प्रोजेक्ट को एक बुक के फॉर्मेट में, जिसका नाम है एक्सपर्टीज एंड एक्सपर्ट परफॉर्मेंस, ये पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। इससे एक विचार मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि यदि उद्यमिता हमें वापस स्थापित करनी है, और जब मैं उद्यमिता शब्द बोल रहा हूं तो एक छोटी सी दुकान खोल के और बिजनेस करना, उसको मैं उद्यमिता नहीं कहूंगा। उद्यमिता की एक बहुत गहन अर्थ होता है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करते चलेंगे। एरिक्सन एंड कार्नेस ने कहा है कि यदि ट्रेनिंग की पृष्ठभूमि में एक फिलॉसफी यानी एक विचारधारा होगी तो ही ट्रेनिंग का दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। और ये बात किसी भी फील्ड की ट्रेनिंग हो, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो, एंटरटेनमेंट की ट्रेनिंग हो, तो किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग सिर्फ मतलब वर्कशॉप में या एक एक्टिविटी के थ्रू लोगों को कुछ स्किल्स सिखा देना, सिर्फ स्किल्स सिखा देने से जो ट्रेनिंग के दूरगामी परिणाम है, एक्सपर्टीज परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं, एक्सपर्टीज परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। ट्रेनिंग के पीछे एक, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, ट्रेनिंग की पृष्ठभूमि में एक फिलॉसफी विचारधारा होने की जरूरत है। व्यवसाय उपनिषद संभवतः ऐसी एक विचारधारा है जो उद्यमिता को पुनर्जीवित किया जा सके। और ये विचारधारा इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्टिविज्म और नारेबाजी, जैसा कि अभी यू नो बायकॉट XYZ की जो बात चल रही है, सिर्फ या आत्मनिर्भर भारत, तो सिर्फ यू नो आई मीन जरूरी है, ठीक है, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल हाइप जरूरी होता है, और यदि वो सिर्फ एक्टिविज्म वाली बात है या सिर्फ नारेबाजी वाली बात है तो वो थोड़े समय याद रहेगी और जैसी ही सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में हुई तो लोग भूल जाएंगे, वापस पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे। यदि लंबी दूरी की दौड़ लगानी है तो हमें एक विचारधारा और एक संस्कृति की जरूरत पड़ेगी, और एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी विचारधारा जो एक्टिविज्म और नारेबाजी हो या ना हो, फिर भी अपनी गति से एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती रहे। तो संभवतः उद्यमिता को वापस स्थापित करने के लिए व्यवसाय उपनिषद एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है जो इस दिशा में एक विचारधारा दे सकता है। फिलॉसफी के साथ साथ व्यवसाय उपनिषद में सैकड़ों एक्शन पॉइंट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। और अभी जब हम इस पुस्तक के प्रीमियर में कुछ ग्लिम्सेस, कुछ पृष्ठों के एक झलक देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ एक्शन पॉइंट्स भी हैं जो व्यवसायी वर्ग तुरंत उपयोग में ला सकते हैं, तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक्स की लैंग्वेज में कहा जाए तो कंटेंट एक चीज होती है और पेडागॉजी यानी पद्धति, मेथोडोलॉजी दूसरी चीज होती है। तो व्यवसाय उपनिषद अपने आप में पेडागॉजी की यानी मेथोडोलॉजी की, कि आखिर हम कोई बात सीखते किस तरह से हैं, उस मेथोडोलॉजी की क्षेत्र में एक नवीनीकरण है। और नवीनीकरण वर्ड, ये शब्द शायद थोड़ा सा गलत है, क्योंकि उपनिषद अर्थात श्रुति पद्धति से सीखना, जो कि हजारों हजारों साल से हमारी संस्कृति में रहा है। श्रुति पद्धति क्या है, इसको हम पुनर्स्थापित यदि कर सके तो समाज में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। वैसे एक छोटी सी बात
इसको आप मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ही ले सकते हैं कि जब भी हम धर्म या सनातन की बात आती है तो शायद हम, जैसे कि मैंने लिखा है, रियर व्यू मोड में क्यों चले जाते हैं। हजार साल पहले हम ऐसे थे, 2000 साल पहले हम ऐसे थे, ठीक है, आई मीन ये बहुत गर्व की बात है कि हम बहुत समृद्ध संस्कृति को बिलोंग करते हैं। लेकिन सनातन शब्द के शाब्दिक अर्थ में जाएं तो इसका क्लोजेस्ट इंग्लिश इक्विवेलेंट है परपेचुअल, अनादि अनंत। तो हमें सिर्फ रियर व्यू मोड में रहने की बजाय थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग मोड में आना पड़ेगा। यदि हम 2000 साल पहले, 5000 साल पहले सृजनात्मक यानी क्रिएटिव थे, यदि उस समय वेद क्रिएट हुए, यदि उस समय अनेक ग्रंथ क्रिएट किए गए, यदि उस समय गीता बोली गई, यदि उस समय रामायण और महाभारत, तो क्यों नहीं आज आज के समय के अनुसार एक नया कंटेंट, एक नई विचारधारा, एक नया मटेरियल आज के समय के लिए जो उपयोगी हो, आज के कंटेक्स्ट में, आज के परिस्थितियों में जो उपयोगी हो, ऐसी टाइमलेस कंटेंट आज क्यों नहीं क्रिएट की जा सकती। शायद हमें रियर व्यू मोड से बाहर आके थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा। थोड़ा आगे चलते हैं और हमारी ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि उद्यमिता और इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और एक मिनट को यदि हम रुक के देखें तो हमारी ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी उपभोग यानी कंज्यूमरिज्म के लिए ही हो, ऐसा माहौल बना दिया गया है। इस पर विचार करिएगा और एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो शायद मेरी बात एकदम से स्पष्ट हो जाएगी कि हमारी हमारे समय का, हमारे एक्टिव टाइम का, मतलब हम जितने समय सक्रिय रहते हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा हम कुछ काम करते हैं और उससे जो इनकम आती है उसका मैक्सिमम हिस्सा हम बाजार में खर्च कर देते हैं। तो कुल मिलाकर हम उपभोग ज्यादा कर रहे हैं और उत्पादन कम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शायद मानव विकास का जो ग्राफ है वो अल्टीमेटली आज हमें एक बारकोड में कन्वर्ट कर दिया है। और कंज्यूमरिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। और दूसरी ओर मैं लोरेटा नेपोलियनी की इस टेड टॉक के बारे में, उसका लिंक मैं यदि आप चाहें तो मैं अलग से दे दूंगा, इस विचार के लिए रिसर्च फाइंडिंग उपलब्ध हैं कि हमारे से ही कमाई गई आमदनी का उपयोग हमारे ही खिलाफ किया जाता है। और ये जो टेड टॉक का लिंक मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसमें इस टॉक का हेडिंग ही है द साउंड इकोनॉमिक्स ऑफ टेररिज्म। शायद इस बारे में मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा अथॉरिटेटिव स्पीकर्स हैं इस फील्ड में, लेकिन हम सबको मालूम है कि जाने अनजाने हम उपभोग में हैं और हमसे ही पैसे कमा के हमारे ही अगेंस्ट में उपयोग किए जाने के अनेक उदाहरण हमारे को आए दिन देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हमें उद्यम को एक बार फिर से समझना होगा, उद्यमिता को एक बार फिर से समझना होगा और असंगठित क्षेत्र के छोटे और मध्यम उद्यमियों की जो योगदान है, हालांकि यहां पर मैं ग्राफ में जो दिखा रहा हूं उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के स्टैटिस्टिक्स हैं कि असंगठित क्षेत्र जो है, असंगठित क्षेत्र, छोटे उद्यमी जिसके अंदर हमारे आसपास भाजी वालों से लेके छोटी सी ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाने वाले या एक छोटी सी किराने की दुकान से लेके हमारे को रिपेयरिंग सर्विस देने वाले, तो जो छोटे उद्यमी होते हैं उनका जो योगदान है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अलावा भी अनेक अन्य क्षेत्रों में है, जिसकी चर्चा मैंने बार बार व्यवसाय उपनिषद में की है और शायद कुछ झलकियां आपको थोड़े समय में मिलने वाली हैं। इनके योगदान के बिना समाज में स्थिरता और समृद्धता
असंभव है। हलाल इकोनॉमी के बारे में हम सब जानते ही हैं और शायद उद्यम संगम टॉक्स के अंदर कल 5 तारीख को भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉक इस क्षेत्र में होने वाला है, अवश्य सुने उसको। हलाल इकोनॉमी के साथ धार्मिक उद्यमिता, सनातनी उद्यमिता एक बार फिर आवश्यक हो गई है, हमारे लिए नहीं विश्व हित के लिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पूंजी बहुत पावरफुल टूल होता है, यदि गलत हाथों में है तो उसका गलत उपयोग होगा और सही हाथों में है तो डेफिनेटली विश्व हित के लिए काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे पास एक रोडमैप होना चाहिए। छोटे और लोकल उद्यमी आखिर बड़े कॉरपोरेट संस्थानों के टक्कर में कैसे खड़े होंगे, उन्हें मदद की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कहा कि पूंजी अपने आप में बहुत पावरफुल होती है और पूंजीवाद पर आधारित कॉरपोरेट क्षेत्र जाने अनजाने छोटे उद्यमियों को हड़प करते जाते हैं और उन्हें पनपने नहीं देते। खैर, ये एक बड़ा विषय है, लेकिन कहने का अर्थ ये कि व्यवसाय एक छोटे व्यवसाय और मध्यम व्यवसाय, छोटे उद्यम और मध्यम उद्यम, उनके उनके समृद्धि के लिए, उनकी प्रगति के लिए एक ऐसा रोडमैप चाहिए जो पॉलिटिकल विल से इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि राजनीतिक शक्ति 5 साल की होती है लेकिन समाज स्थायी होता है। इसलिए यदि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप प्रॉस्पर कर सके। शायद व्यवसाय उपनिषद एक ऐसा फ्रेमवर्क है। और सांस्कृतिक, चारित्रिक और वैचारिक सतह पर पूरे राष्ट्र को मूव करना है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं करना है। ऐसे काम के लिए एक स्वीकार्य लिखित फ्रेमवर्क चाहिए जो लेखक से इंडिपेंडेंट हो, वक्ता से इंडिपेंडेंट हो, जो फ्रेमवर्क अपने आप में काम करे। तो ऐसी एक फ्रेमवर्क की संरचना शायद ईश्वर ने चाहा और ये मेरे माध्यम से हो रहा है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। 3 शब्द, सांस्कृतिक, चारित्रिक और वैचारिक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उद्यमिता सिर्फ सामान का लेन देन नहीं है। जिस 30% GDP की बात हमने की थी वो सांस्कृतिक, चारित्रिक और वैचारिक लेवल पर तैयारी के बिना असंभव है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, चारित्रिक, हम एक मिनट को रुक कर देखें कि आज फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी, सैकड़ों सुंदर मंदिर बने हुए हैं, अच्छी नक्काशी करना, पत्थर में से भी मूर्ति उकेर के ले आना, जरूर ये एक ऐसी नेचुरल क्वालिटी रही होगी मूर्तिकार के अंदर जो काम करती थी रिगार्डलेस ऑफ द ऑनोरेरियम और रेम्यूनरेशन ही गॉट, उसको उस काम के लिए कितना इनाम मिला, कितनी उसको वित्तीय फायदा हुआ, वो सेकेंडरी है, पर क्योंकि ये उसके चरित्र में है इसलिए वो मूर्ति बना पाया। तो जब उद्यमिता हमारे चरित्र में आ जाएगी तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह, मेरी हाइपोथेसिस है कि जिस तरह शिक्षा को योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया, शायद उद्यमिता को भी योजनाबद्ध तरीके से तोड़ा गया है और इसे वापस पुनर्जीवित करना, इसके लिए एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। बाय द वे, और ये साइडलाइन में मैं एक प्रश्न ही रखना चाहूंगा कि उपनिषद, आखिर इस शब्द से हम क्या समझते हैं? अवश्य ही और ज्यादातर अधिकांशतः हमें यह लगता है कि उपनिषद मतलब पुराने ग्रंथ, पुराने कहानियां, लेकिन ऐसा नहीं है।
व्यवसाय उपनिषद में मैंने प्रॉपर रेफरेंस देके उपनिषद के तीन प्रचलित कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो इसकी परिभाषा जो समझी जाती है उसको मैंने दूसरी चर्चा में डिटेल में डिस्कस किया है, उसका एक झलकी मैं आपको दिखाऊंगा। उपनिषद अर्थात इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, इनफॉर्मल मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, अनौपचारिक अर्थपूर्ण आत्मीय बातचीत, वास्तव में उपनिषद का ये अर्थ होता है। और इसके बारे में एक पूरा का पूरा 5 पृष्ठों का चैप्टर मैंने दिया हुआ है और 16 गुण बताए हैं मैंने उपनिषद के। कंटेक्स्ट में शायद आखिरी के दूसरे या तीसरे स्लाइड में से ये एक है कि गरीबी हटाने के लिए कम्युनिस्ट मॉडल की अच्छी विवेचना सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने की है और उन्होंने बताया है कि कम्युनिस्ट थ्योरी क्यों फेल हुई। ये YouTube लिंक मैं दे देता हूं और संक्षिप्त में ये है कि कम्युनिस्ट जो थ्योरी है उनकी बात का मैं सारांश रख रहा हूं कि जब जिनके पास कुछ नहीं है वो ये नारा लेके खड़े हो जाएं और एक संगठन बना लें और प्रदर्शन पे उतर आएं कि सबको बराबरी से मिलना चाहिए। यदि यही नारा कैपिटलिस्ट ने लिया होता तब तो कम्युनिज्म सफल हो सकता था, पर क्योंकि ये नारा ऐसे लोगों ने अडॉप्ट किया जिनके पास खुद कुछ नहीं था इसलिए कम्युनिज्म कभी भी सफल हो नहीं पाया और हो नहीं पाएगा। तो सिर्फ एक जो अल्टरनेटिव बचता है समाज में बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए वो है पार्टिसिपेशन का, उद्यमिता का। और ये 4 तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है और शायद ये आने वाले जो 3 स्लाइड हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। व्यवसाय उपनिषद की सामाजिक आर्थिक और नीतिगत महत्व क्या है, व्यवसाय उपनिषद इस पुस्तक की सामाजिक आर्थिक और नीतिगत महत्व क्या है, 4 परिस्थितियों का एक निदान है, गरीबी और रिजर्वेशन जिसको लेके बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, बाजारवाद जो कि हालांकि उपभोक्तावाद कहा जाता है लेकिन मैं उपभोक्तावाद से ज्यादा प्रेफर करता हूं बाजारवाद शब्द उपयोग करना, क्योंकि बाजार कुछ कैपिटलिस्ट कुछ पूंजीवादी बनाते हैं और उसके बाद उसके चपेट में उसके लपेटे में आ जाते हैं हम जैसे आम उपभोक्ता। और 4थी चीज अवसर, इन गरीबी रिजर्वेशन बाजारवाद और अवसर, इन 4ों के लिए यदि एक इलाज है तो वो है उद्यमिता। ऐसी उद्यमिता जो काफी हद तक डेमोक्रेटाइज कर दी गई हो, डेमोक्रेटाइज मतलब मैं डेमोक्रेसी वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं यूज कर रहा हूं, डिसेंट्रलाइज कर दी गई हो। डिसेंट्रलाइज वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आज हम जब बिजनेस की बात सोचते हैं और बिजनेस के स्किल्स बिजनेस के गुर सिखाने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में बात आती है बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन की। और बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन अच्छी चीज है, नो डाउट अबाउट इट, मैं स्वयं बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन का पार्ट रहा हूं, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो थ्योरी के फ्रेमवर्क में फिट नहीं होता, छूट जाती है। और इसके लिए एक बहुत बड़ी बहुत लंबे समय से एक प्रचलित किताब भी मार्केट में चलती है, व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, काफी फेमस किताब है, आपको किसी भी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, किसी भी बुकशॉप में मिल जाएगी, किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट की थ्योरी और इस तरह की किताबों के बाद भी, मैंने ऐसे कम से कम 250 किताबें पिछले 10 साल में रिव्यू की हैं, उसके बाद भी एक गैप रह जाता है और मुझे लगता है कि हमें शिफ्ट होने की जरूरत है हाउ दे कांट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की, क्योंकि श्रुति पद्धति उपनिषद पद्धति एक ऐसी पद्धति जो पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी पर चले, ऐसी पद्धति से सिखाना ये ही एक स्थायी सोल्यूशन होगा उद्यमिता को वापस पुनर्जीवित पुनर्स्थापित करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा काम है और
इसके लिए एक आर्मी की जरूरत है, और जैसा कि मैंने कहा है कि व्यवसाय उपनिषद के जो सामाजिक आर्थिक महत्व है, हमें चाहिए चार तरह की आर्मी। यदि समाज में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाने हैं तो राष्ट्र अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। राष्ट्र निर्माण बहुत जरूरी है, और जब राष्ट्र निर्माण शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो यहां पर हमें जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है इस समय, उससे थोड़ा बाहर की सोचना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति राष्ट्र निर्माण के नीचे आने वाली लेयर है। सो धर्म की पुनर्स्थापना उस कॉन्टेक्स्ट में जहां पर धर्म का जो अर्थ है, आज जिस तरह से हम देखते हैं कि रिलीजियन करके इसको एक मतलब कल्ट में ही बदल दिया गया है, उस अर्थ में नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन धर्म की पुनर्स्थापना, धर्म यानी आइडेंटिटी, लीनियज, और तो उस और उन अर्थों में पुनर्स्थापना और राष्ट्र निर्माण के लिए हमें चार तरह की आर्मीज चाहिए। सुरक्षा आर्मी तो हम सब जानते हैं, एयरफोर्स, लैंड फोर्स और ओशन फोर्स, पर इन सब के अलावा हमें जरूरत पड़ेगी अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भी एक आर्मी की जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा जरूरत पड़ेगी सांस्कृतिक आर्मी, और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक आर्मी की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए व्यवसाय उपनिषद यह पुस्तक, जो अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए एक सशक्त आर्मी तैयार करने के लिए एक यूजफुल मटेरियल हो सकता है। ऑफ कोर्स किताब मैंने लिखी है, अपनी किताब की मैं तारीफ करूंगा, पर वो अलग बात है। और जब मैं बोल रहा हूं कि मैंने लिखी है, तो शायद मैं अपने आप से क्षमा मांगना चाहूंगा, क्योंकि ये किताब लगभग मेडिटेटिव स्टेज में मेरे थ्रू ये आइए कुछ पृष्ठों का एक झलक देखते हैं। और जब ये मैं दिखा रहा हूं तो मैं थोड़े समय के लिए अपने आप को मैं कैमरा से ऑफ करता हूं। मैं ये पुस्तक समर्पित है उन सभी व्यापारी, व्यवसायी और उद्यमी परिवारों को जिनकी मेहनत से समाज में समृद्धि, स्थिरता और सक्षमता आती है। और यह पुस्तक समर्पित है मेरे माता पिता और सभी पालकों का, को जिनके अंदर जिन्होंने हमारे अंदर संयम, स्वाभिमान और उद्यम के बीज बोए। व्यवसाय के लिए बदलते समय का अर्थ होता है बाजार कभी तैयार होता है और कभी नहीं। ऐसे समय में सिर्फ वही व्यवसाय और उद्यम प्रगति कर सकते हैं जिनके पुर्जे आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित हों। सिद्धांत जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ना तो पढ़ाए जाते हैं और ना ही पढ़ाए जा सकते हैं। सिद्धांत जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुस्तक में जो शीर्षकों की जो शैली ली गई है, वो मैंने जापान के हाइको पद्धति, जो कविता शैली की पद्धति है, वो तीन लाइनों की कविताएं होती हैं, उस पर आधारित शीर्षक दिए हैं। और 225 चर्चाएं हैं और 225 हाइको मिलेंगे आपको इसके अंदर। तो पहली हाइको, रुके नहीं, थके नहीं, अपरोक्ष अनंत, व्यवसाय के योगदान अनेक। व्यवसाय को हमेशा लाभ के साथ जुड़कर देखा जाता है, यह नजरिया उचित नहीं है। एक बार रुक कर कल्पना करें, यदि समाज में व्यापारी और उद्योगपति ना हो तो हमारा जीवन कितना दुभर हो जाएगा। यहां पर एक मिनट रुक के मैं आपको कल्पना करने की लिए आमंत्रित करता हूं कि सुबह सबने चाय पी होगी, राइट? तो एक मिनट को कल्पना कीजिए कि यदि समाज में कोई भी उद्यमी नहीं है, नोबडी इज प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, और कोई भी व्यापारी नहीं है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको आपके डोरस्टेप तक पहुंचाने के लिए कोई सिस्टम है ही नहीं, तो क्या सुबह हमें चाय मिलती? हमारा जीवन बहुत दुभर हो जाता। सामान बेचने और लाभ कमाने से एक कदम आगे है बिजनेस वर्ग का योगदान, रोजगार पैदा करके समाज में स्थिरता लाना और नए नए उत्पाद बनाकर हमारे जीवन को सरल बना देना। इसीलिए मैं व्यापारी वर्ग को एक सेना से कब नहीं समझता। सेना देश की सीमा पर सुरक्षा कायम रखती है और व्यापारी वर्ग देश के अंदर संपन्नता, स्थिरता और सक्षमता की रक्षा करते हैं।
इस पुस्तक की एक चर्चा में मैंने यहां तक कहा है कि एक उद्यमी का परिवार एक देश के लिए यूनिवर्सिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आगे की चर्चाओं में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों बोलता हूं मैं कि एक उद्यमी का परिवार एक यूनिवर्सिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आगे की चर्चाओं में आता है। जैसा कि मैं कह रहा था कि उपनिषद क्या है, इसकी एक अच्छी समझ देने के लिए इस पुस्तक में मैंने लगभग 5 पृष्ठों का एक चर्चा लिखी है, और उसमें मैंने उपनिषद शब्द के बारे में बताया है कि उपनिषद अर्थात अनौपचारिक अर्थपूर्ण आत्मीय छोटी छोटी चर्चाएं जो निरंतर चलती रहें, और ये इसके लिए एक शब्द है श्रुति पद्धति, एक दूसरे से सुन के सीखना, एक दूसरे से सुन के समझना। और इस बात को अच्छी तरह स्थापित करने के लिए मैंने उपनिषद के 16 क्वालिटीज 16 गुण बताए हैं, उसमें से कुछ यहां पर आपके स्क्रीन में इस समय चर्चा, जहां अनुभवी एवं व्यावहारिक व्यक्ति जो अन्य प्रतिभागी पार्टिसिपेंट्स जिन्हें अभी सीखना है, ऑफकोर्स यंग लोगों के साथ जिनका अनुभव अभी कम है उनके साथ, उनके बीच संवाद होता हो, एक छोटे समूह में बैठकर घनिष्ठ चर्चा करना, ऐसी चर्चाएं जिसमें आत्मीयता हो, चर्चा जो अनौपचारिक होते हुए भी अनौपचारिक हो, यानी जहां पर इंटीमेसी हो और इनफॉर्मेलिटी हो, चर्चा ऐसे विषयों पर जो प्रतिभागियों यानी पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रासंगिक यानी कॉन्करेंट और उपयोगी रिलेवेंट दोनों हो, बातचीत जहां चर्चा का नेतृत्व करने वाले में उत्साह यानी एंथुजियाज्म हो और प्रतिभागियों यानी पार्टिसिपेंट्स में उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी हो। यहां पर आप देख सकते हैं कि हालांकि मैंने ये पूरी पुस्तक हिंदी में लिखी है, और कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आपने आज जब लोग इंग्लिश ज्यादा पढ़ना और बात करने में इंग्लिश उपयोग करना ज्यादा पसंद करते हैं तो आपने ये पुस्तक हिंदी में क्यों लिखी। इसके पीछे अनेक कारण हैं, हिंदी साहित्य को एक योगदान है, और दूसरी बात एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, साइंटिफिक बात है कि कितना भी हम इंग्लिश में बात करें, कितना भी हम इंग्लिश पढ़ना चाहें, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जब कोई हमसे हिंदी में बात करता है तो हमें जल्दी समझ में आती है, हमें अच्छे से समझ में आती है, तुरंत समझ में आती है। तो हिंदी अभी भी व्यवहार की भाषा है, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि यदि लोकल लैंग्वेज में मातृभाषा में यदि कोई बात की जाती है तो वो अच्छे से समझ में आती है, पूरी तरह समझ में आती है। और हिंदी का उपयोग करते हुए भी मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और प्रचलित शब्दों का अच्छी तरह उपयोग किया है ताकि हिंदी में होते हुए भी समझने में गैप नहीं आना चाहिए। खैर, बातचीत जहां चर्चा एक उन्मुक्त वातावरण में हो रही हो और खुले दिमाग से सुनी जा रही हो, ये छोटी छोटी बातें लिखित रूप में एक बार फोकस में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन इतना कम हो गया है, या हम जाने अनजाने नए विचार के लिए एक तरह से बहुत ही डिफेंसिव माइंड रखते हैं कि मतलब उसको स्वीकार करने से पहले बहुत परखने की कोशिश करते हैं। हम अनुभव में कितने भी कम हो, शिक्षा में कितने भी कम हो, लेकिन फिर भी हम यही मान के चलते हैं कि जो मुझे मालूम है या जो नई बात मेरे को बताई जा रही है उसको पहले मैं परखूं। खैर, तो इसको और डिटेल में जब डिस्कोर्स में आएगा ये तो ये और क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पर आपको 7 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ऐसे 16 क्वालिटीज मैंने उपनिषद के बताए हैं, और शायद इस क्लेरिफिकेशन के बाद उपनिषद के बारे में हम जो ये मान के चलते हैं कि उपनिषद मतलब सिर्फ पौराणिक कहानियां या पौराणिक ग्रंथ, ये एक भ्रांति शायद हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जानी चाहिए। व्यवसाय का जो एक महत्व है उसको मैंने एक चित्रण के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि व्यवसाय को सिर्फ व्यवसाय मत समझें। ये एक मैंने एक चर्चा में इसके लिए एक शब्द उपयोग किया है, अनवरत महायज्ञ, यानी जो ऐसा महायज्ञ जो लगातार चल रहा है, महायज्ञ यानी जहां पर योग होता है, महायज्ञ में दो अलग अलग तरह की चीजों का योग होता है। तो क्योंकि छोटे व्यवसाय सिर्फ सामान और पैसे का लेन देन नहीं है, ये मतलब पिछले पैराग्राफ से आ रहा है,
छोटे व्यवसाय एक ऐसी विशालकाय मशीनरी है, ऐसे टच पॉइंट्स हैं जहां अर्थव्यवस्था संस्कृति से मिलती है। मानव संसाधन वृहद सामाजिक व्यवस्था से जुड़ते हैं और आवश्यकता यानी डिमांड आपूर्ति यानी सप्लाई से मिलती है। तो छोटे और मध्यम व्यवसाय सिर्फ एक काउंटर नहीं है, एक शॉप नहीं है या एक व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ी एक महायज्ञ चल रहा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा दृश्य है जो हमें देखने में आ रहा है। एक ऐसा महायज्ञ जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था संस्कृति से जुड़ती है। मानव संसाधन, आप सोचिए, यदि छोटे और मध्यम व्यवसाय ना हो तो भारत की जो एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन का लगभग 70% अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। मानव संसाधन को संभाल के रखने के लिए छोटे और मध्यम व्यवसायों का की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो मानव संसाधन सामाजिक व्यवस्था से मिलती है, और ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली यदि देखा जाए, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिमांड सप्लाई से मिलता है। परिवर्तन की समझ में परिवर्तन, पोस्टकार्ड अब एक अप्रचलित शैली। और इस चर्चा में मैंने पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से व्यवसाय किए जाने की पद्धतियों में और आज कौन से छोटे छोटे परिवर्तन लाने की जरूरत है उस पर एक छोटी सी टिप दी है अपने पाठकों को और उद्यमी भाइयों को। और थोड़ा सा तेजी से आगे चलते हैं। ड्राइवर की तरह चौकन्ने व्यवसाय, विद्यार्थी की तरह कुशाग्र व्यवसाय, रखें कुछ नीतियां हमेशा याद। एक उद्यमी को लगातार सीखते रहना बहुत आवश्यक होता है और चौकन्ने रहना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाजार बहुत तेजी से बदलता है और हमें चौकन्ने रहते हुए बाजार की परिस्थितियों के अनुसार रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो यदि हम कुशाग्र होंगे तो रिस्पॉन्ड करेंगे, यदि कुशाग्र नहीं होंगे तो रिएक्ट करेंगे या बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, खेल से बाहर हो जाएंगे। हाँ, अभी जैसे मैं कह रहा था, अनवरत महायज्ञ, देखें कभी नजरों से जो दिख रहा है आंखों से, कभी नजरिए से, दृश्य के पीछे अनेक दृश्य। खैर, इस बारे में हम अनुभव प्रकृति का ड्रिप सिस्टम, हस्तांतरण करें इस तरह डिजाइन, समय लें समय दें। और ये चैप्टर और इस चैप्टर पर आधारित कुछ अन्य चैप्टर्स मैंने अपने एक क्लाइंट के उस प्रश्न के कारण इसका विचार आया था, जहां पर उन्होंने पूछा था कि अरविंद सर, मैंने तो मेहनत करके लगभग जीरो से शुरू करके आज लगभग 800-900 करोड़ का एक एम्पायर खड़ा कर लिया है, और ये करने में मुझे लगभग 30-35-40 साल लग गए, लगभग पूरी जिंदगी मैंने लगा दी, लेकिन बच्चों ने वो स्ट्रगल का पीरियड कभी देखा नहीं है, और आज मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मैं उनको बिजनेस के स्किल्स कैसे सिखाऊं। वो 10 बजे सो के उठते हैं, ऑफिस में आके 1.5 घंटा बैठते हैं, मैनेजरों से बस फोन पे या सामने बिठा के थोड़ा बात कर लेते हैं, और उसके बाद लंच के लिए निकल जाते हैं और शाम को बैडमिंटन खेलने निकल जाते हैं। तो मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि आखिर वो बिजनेस को संभालना कैसे है, बिजनेस की नेतृत्व कैसे करनी है, बिजनेस की जो ड्राइविंग स्किल्स होती हैं वो कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। तो इस बात, इस चिंता को मैंने देखा कि हालांकि उन्होंने मेरे से शेयर किया, लेकिन शायद यही चिंता हजारों एंटरप्रेन्योर्स की और बिजनेस फैमिलीज की हो सकती है। इसलिए मैंने यहां पर एक फ्रेमवर्क दिया है उन्हें, ताकि बिजनेस फैमिलीज अपने उद्यम का अच्छी तरह से हस्तांतरण यानी कि ट्रांजिशन कर सके अगली पीढ़ी को। इस पुस्तक की सबटाइटल में आप शायद पढ़ पा रहे होंगे, शक्तिशाली सुसंगठित व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी, शक्तिशाली सुसंगठित व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी। तो जब तक उद्यम पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा, उद्यमिता की संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और जिस दिन उद्यमिता की संस्कृति हमारे समाज में खत्म होगी, समाप्त होगी, विलुप्त हो जाएगी, उस दिन न तो हम धर्म को बचा पाएंगे, न तो समाज को बचा पाएंगे, और राष्ट्र भी छिन्न भिन्न हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। संसाधनों का बहुत बड़ा रोल होता है,
आप फ्रीडम स्ट्रगल को भी देखें तो जी डी बिरला ने कई कई किलो सोने फ्रीडम मूवमेंट के लिए अपनी तरफ से दे दिए थे। तो संसाधन, पैसा, उद्यमिता, बाजार, उपभोक्तावाद और धर्म, ये सब कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से क्रिस क्रॉस होकर मिलते हैं। हमें इसको समझना होगा। सबसे कठिन हुनर बिजनेस की, व्यक्ति अनेक, व्यक्तित्व अनेक, व्यक्तित्व की परतें अनेक। और इस चर्चा और इस चर्चा से संबंधित अन्य चर्चाओं में मैंने एक बिजनेस मैन, एक एंटरप्रेन्योर के लिए लोगों को कैसे हैंडल करना है, इस पर थोड़ी सी चर्चाएं की हैं। मनोवृत्ति को भी थोड़ा सा मैंने लिया है। मेरे ख्याल से मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप समझ सकते हैं। हमारी मनोवृत्ति में 5 प्रकार की उथल पुथल होती है, विचार, भावनाएं, कल्पना, तर्क और इंट्यूशन। और एक व्यवसायी इन 5 का अच्छी तरह कब और कैसे उपयोग करना है ये अच्छी तरह जानता है। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ तर्क पर आधारित बिजनेस मैनेजमेंट की जो एकेडमिक्स हैं वो लॉजिक्स पर आधारित होती हैं, वो अपने आप में इनकम्प्लीट प्रूव होती हैं कभी कभी। दे आर नॉट सफिशिएंट। जैसा कि मैं बोल रहा था कि सैकड़ों स्किल पॉइंट्स भी हैं, सैकड़ों टेक्निक्स भी मैं इस पुस्तक के माध्यम से उद्यमियों को दे रहा हूं। तो इस चित्रण का आप एक मिनट इस झलकी को आप देख लें। व्यवसायियों के साथ कैसे डील, कर्मचारियों के साथ कैसे डील करना है, इसके लिए एक फ्रेमवर्क दिया है उनको। क्योंकि उद्यमिता के अंदर, उद्यम के अंदर इफेक्टिवनेस बहुत जरूरी है। टीम्स स्लीक होनी चाहिए। यदि काम नहीं आता तो एक बार सीखने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। यदि सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा, यदि काम सीखने के बाद भी, यदि वो काम आते हुए भी काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात। यदि काम आता है और काम मन लगाकर नहीं करते तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने कुछ टेक्निक्स भी उनको दी हैं। ये तो लगभग 180 में से 180 इलस्ट्रेशन में से ये एक इलस्ट्रेशन है। 180 इलस्ट्रेशन आर देयर। बिखरते परिवार, सिमटते संस्कार, व्यवसायी, पहरेदार। आई थिंक ये एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, फटाफट पढ़ते हैं इसको। बिजनेस से हटकर व्यवसायी परिवार के सामाजिक पहलू पर आए, जिस परिवार के लोग नौकरी का रास्ता ले लेते हैं वहां ये तो उनके कंट्रोल में होता नहीं कि उन्हें जॉब कहाँ मिलेगा। अतः जहां जॉब मिलता है वहां जाना पड़ता है। ऐसे परिवारों में माता पिता और बच्चे और भाई भाई आपस में बिछड़ जाते हैं। जॉब के कारण एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। उनके भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़ते हैं इस पर शायद ज्यादा विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है, और शायद इस बात पर एक रिसर्च होना चाहिए। हजारों वृद्धाश्रम खुले हुए हैं आज जगह जगह, और ऐसे लाखों नवयुवा बड़े शहरों में बिना किसी सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा के कई कई साल अकेले बिता देते हैं। शायद सामाजिक स्थिरता के लिए एक ऐसा पॉइंट है जो अनुसंधान के लिए एक अच्छा, यू नो, सोशियोलॉजी में और इवन बिजनेस मैनेजमेंट में, कल्चर में, इकोनॉमिक्स में, रिसर्च के लिए ये बहुत सारे टॉपिक्स दे सकता है। इस विषय में रिसर्च होना चाहिए, नीतियां बननी चाहिए। उद्योगो नरलक्षणम, मिट्टी से बनती सुंदर कलाकृति, प्रयास प्रयास प्रयास। जैसा कि अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, एक कप चाय मिलेगी, बस 2 मिनट। जीवन सरल बनाता व्यवसाय, सोचने के बाद 2 मिनट के अंदर हमारे टेबल पर चाय आ सकती है, क्योंकि कहीं पर उद्यमी मेहनत कर रहे हैं। समस्याओं की जड़ें कहीं तो होती हैं, संभावनाओं के बीज कहीं तो होते हैं, उद्यमियों के अटक जाने के 12 कारण, और इस तरह से ये सब चलता रहता है। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि आज बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से किया जाना जरूरी हो गया है, और इसीलिए प्रोफेशनलिज्म को भी मैंने इस चर्चा में, इस पुस्तक में सम्मिलित किया है। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? कुछ लोगों का काम हल्का होता है। हल्का से यहाँ पर मतलब आप समझ सकते हैं कि सम पीपल डोंट परफॉर्म इन अ रिलायबल मैनर, और कुछ लोग काम हल्का कर देते हैं। यू नो, फ्यू पीपल दे मेक योर वर्क ईजी, यू नो, दे मेक योर वर्क अ जॉय। यहाँ पर एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन जो मेरे को बहुत पसंद है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं,
कि ज्ञान होना यहां से बेहतर स्थिति होती है कि जब हम जागरूक होएं, और वहां से बेहतर स्थिति ये होगी जब हम जो हमें मालूम है उसको क्रियान्वित करें, उसे उसे व्यवहार में लाएं, उसे एक्शन में लेके आए। तो मतलब जस्ट एन एंटीडोट टू जो टेड का एक टैगलाइन है, आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एंटीडोट यह है कि आइडियाज वर्थ इम्प्लीमेंटिंग। क्योंकि स्प्रेड तो हम कुछ भी कर दें, जानने में तो कोई कमी नहीं है आज की डेट में, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको व्यवहार में लाना। वित्तीय सिस्टम के बारे में भी मैंने छोटे और मध्यम उद्यमियों को बहुत सारे टिप्स दिए हुए हैं, क्योंकि वित्तीय सिस्टम के लूप होल्स व्यवसाय में दरार आने के शुरुआती कारणों में से एक होते हैं। मतलब कंसल्टेंसी देते हुए मेरा अनुभव यह है कि 10 में से 7 उद्यमियों की जो वित्तीय सिस्टम है उसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कॉस्ट स्टेटमेंट भी नहीं मिलेगा, बजटरी प्रोजेक्शंस भी नहीं मिलते, बस एक एडहॉकिज्म से चलता रहता है कि थोड़े पैसे लगा के इन्वेंटरी लेके आए और उसको दिन में बेच दिया, तो जो सरप्लस बना वो उनका प्रॉफिट हो गया। तो इस एडहॉकिज्म से बात नहीं बनती है, वी नीड टू बी लिटिल प्रोफेशनल। दयालुता और दान धर्म जैसे सेंसिटिव इश्यूज को भी मैंने इसमें कवर किया है। कुशाग्रता अनुभव से बढ़े, व्यवसाय परिश्रम से बढ़े और मुश्किल टालने से बढ़े। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उद्यमिता और परिश्रम को वापस एक बार स्थापित करना जरूरी है। और आज जब हम और स्पेशली नई पीढ़ी ये मान के चलती है कि सब काम क्लिक क्लिक करके हो जाना चाहिए, टच पे सब काम हो जाना चाहिए, परिश्रम शब्द की जो महत्ता है, परिश्रम इसे अपने संस्कार में वापस कैसे लेके आए। और शायद यंगस्टर्स को हमने ऑब्जर्व किया होगा कि आज देरी से उठना और आराम से कोशिश करके सिर्फ और सिर्फ ऐप्स के माध्यम से अपने काम पूरे करने की जो एक प्रवृत्ति हो गई है, वो कैसे कम करें, परिश्रम को वापस कैसे स्थापित करें, परिश्रम के महत्व को कैसे स्थापित करें, शायद ये बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। सारा खेल मनोविज्ञान का है। हम सभी के व्यवहार में कोई ना कोई कारण होता है, व्यवहार के पीछे मनोविज्ञान होता है। हम उस कारण को शब्दों में व्यक्त कर पाए या नहीं, दूसरों के व्यवहार को समझना पड़ता है, जो या तो पूछ पूछ कर या उन्हें खरीदना पड़ता है या उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है। कस्टमर इन्हीं विचारों के साथ अपना खरीदी का निर्णय बनाते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर कस्टमर्स की साइकोलॉजी, कर्मचारियों की साइकोलॉजी, लोगों की साइकोलॉजी को समझना एक व्यवसायी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यदि हम एक सही लेंस लगा के देखें तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनके अंदर आपको मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ मिलेगी। मतलब ये बात दलाई लामा ने कही है अपने किसी कोटेशन में कि यदि हम पुराने सनातन और अध्यात्म को सही तरीके से समझें तो उसके सामने आज का एकेडमिक साइकोलॉजी तो एक किंडरगार्टन का बच्चा लगता है। दैट इज द वर्ड्स दलाई लामा हैज यूज्ड, कि आज का मनोविज्ञान अध्यात्म के सामने किंडरगार्टन का बच्चा है। सो अध्यात्म और पुरानी जो सनातन समझ है उसमें व्यवहार की, साइकोलॉजी की बहुत गहरी समझ छिपी हुई है और इसी कारण वो बहुत व्यवहारिक है। जो थक रहे हैं जरूर वे श्रम कर रहे हैं, परिश्रमी न थके न रुके। जो बिना समझे हुए जो सिर्फ सिर्फ मेहनत करते हैं। आज के समय में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के कारण यह भ्रांति हो सकती है कि कुछ बिजनेस तो बिना मेहनत के तेजी से चल पड़ते हैं, तब हमें यह बात अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हर वह व्यवसाय जो फलता फूलता नजर आ रहा है मेहनत के बिना आगे नहीं बढ़ता। परिश्रम व्यवसाय का एक ऐसा नियम है जो समय की सीमाओं से परे है। यह भूतकाल में भी लागू होता था, आज भी लागू होता है और भविष्य में भी परिश्रम के बिना
कोई व्यवसाय टिक नहीं पाएंगे। यहां पर शायद किसी वेद में ये श्लोक आता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेत गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। मैंने इन शब्दों की छोटी सी व्याख्या अपने लिए की है, अपने लिए मैं थोड़ा स्ट्रेस करके बोल रहा हूं क्योंकि इसकी आध्यात्मिक व्याख्या कुछ भी हो सकती है या संस्कृत भाषा की दिशा से कोई भी व्याख्या हो सकती है, लेकिन अपने लिए जो व्याख्या मैंने की हुई है कि व्यवसाय जो व्यवसाय में सटीक रूप से इन बातों को सरल बनाती है, कुछ बातें जो मैंने पहले स्थापित की इस टेक्स्ट के पहले, जो प्रत्येक व्यवसायी के लिए अकाट्य मंत्र है। यहां पर लक्ष्मी संपन्नता को दिखाती है, हम सभी लक्ष्मी यानी संपन्नता चाहते हैं, और विवेक यानी सरस्वती के बिना, परिश्रम के बिना, शार्पनेस के बिना मेहनत करना, गोविंद यानी कर्म के सिद्धांत, कृष्ण से बेहतर कोई नहीं सिखा सकते, और कर्म परिश्रम और पुरुषार्थ, इन सब का आपस में संबंध है जिसको मैंने इस पुस्तक में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। तो परिश्रम के बिना यानी इन तीनों के सामंजस्य से ही, इन तीनों के समावेश में ही संपन्नता आती है। तो हम संपन्नता चाहते हैं, संपन्नता के लिए विवेक चाहिए और परिश्रम चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्म मूल्यतु। और ये एक श्लोक है जो दोनों हथेलियों को मिलाकर सुबह उठने के बाद सबसे पहले दोनों हथेलियों को मिलाकर हथेलियों को देखते हुए अपने आप से बोलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और ये श्लोक पूरा करने में 10-15 सेकंड का समय लगता है बस। तो अपने आप को कुछ आधारभूत बातें याद दिलाने के लिए एक अच्छा श्लोक है, और रेफरेंस वेद का है। जो मैंने कुछ विवादास्पद विषयों पर भी खुलकर चर्चा की है, धर्म का दुरुपयोग, अध्यात्म की अधूरी समझ बराबर बड़ी बड़ी बातें, और जो कुछ धर्म और अध्यात्म के नाम पे जो बड़े बड़े कांड होते हैं उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा प्रकाश डाला है। वैचारिक संशोधन होनी चाहिए, कभी कभी किसी धर्म संप्रदाय के छोटे मोटे गुरु माइक हाथ में आते ही उन्माद भरी बातें खुले आम कहते दिख जाते हैं। धर्म के नाम और मुखौटे का उपयोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी होता देखा जा सकता है। समय आ गया है जब हम धर्म गुरु को पर ही प्रश्न उठाएं। तो कहने का अर्थ ये कि व्यक्ति पूजा में हमें नहीं पड़ना है। और एक अच्छा पैराग्राफ है कि ये जो अध्यात्म के सर्कल्स में ये जो प्रश्न पूछा जाता है कि मैं कौन हूं, या इस तरह के प्रश्न के बारे में, मैं कौन हूं, हूं एम आई, यू नो, मुझे मोक्ष चाहिए, इस तरह के प्रश्नों का एक हुक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और यदि ऐसा हो रहा है तो गलत है। यहां पर एक पैराग्राफ में पढ़ना चाहूंगा कि मैं कौन हूं एक ऐसा प्रश्न है जो स्वतः यानी अपने आप मन में जागृत हो तभी सुंदर, कोई और दे, कोई और जबरदस्ती हमारे ऊपर ये प्रश्न थोपे तो ये पीड़ादायक हो सकता है। आध्यात्मिक प्रगति के उच्च स्तरों पर व्यक्तियों के मन में प्रश्न अपने आप आता है कि मैं कौन हूं, और वे उसका उत्तर भी स्वयं ही ढूंढ लेते हैं। कोई भी गुरु चाहे कितना भी विद्वान हो, किसी और के लिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कोई और उत्तर दे तो उसे स्वीकार भी ना करें। ऐसे प्रश्नों में त्रुटि नहीं है, लेकिन इनके उत्तर स्वयं ढूंढने पड़ते हैं। एक व्यक्ति के लिए कोई अन्य व्यक्ति ऐसे प्रश्न के उत्तर दे भी नहीं सकता। और ये सब बातें मैंने इसलिए चर्चा में शामिल की है क्योंकि उद्यमी वर्ग एक संपन्न वर्ग होता है, इसलिए अध्यात्म जो एक गलत प्रोपोगंडा के साथ जो अध्यात्म को चलाते हैं वो ऐसे संपन्न वर्ग को अपने लपेट में रखना चाहते हैं क्योंकि उनसे वो बहुत बड़ा दान इकट्ठा कर सकते हैं। खैर, ये एक सम्मिलित मतलब एक बड़ा विषय है, और शायद अभी जब मैं एक सिर्फ झलकी दे रहा हूं तो मेरी बात अधूरी रह सकती है, और अधूरी बात के कारण गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि इसको अभी जो चर्चा कर रहे हैं उतनी चर्चा के आधार पर अपने विचार नहीं बनाइए, अपनी पूरी बात तरीके से स्पष्ट रूप से विस्तृत रूप से मैंने पुस्तक के अंदर लिखी है, उसको पढ़ने के बाद ही अपने विचार रखें तो बेहतर रहेगा, उसके बाद ही प्रस्तुत किए हुए विचारों को मैं स्वीकार करूंगा।
तब तक धैर्य रखें। मार्केटिंग से संबंधित अनेक टिप्स मैंने दिए हुए हैं। अच्छी तरह से श्रेष्ठतम उत्पाद भी अपने आप बाजार में नहीं टिक पाता जब तक ग्राहक ना चाहें। खैर, तीन प्रकार की पैसे की नादारियां, शायद हम एक फुल सर्कल पूरा कर रहे हैं यदि उद्यम के दृष्टिकोण से देखें तो। संबंधों पर आधारित बिजनेस, बिक्री पर आधारित बिजनेस, सेवा पर आधारित बिजनेस, बाजार पर प्रभुता पर आधारित बिजनेस, सूचना डेटा पर आधारित बिजनेस जो शायद ये समय चल रहा है, और आने वाला समय वापस संबंधों पर आधारित बिजनेस हो सकता है, काफी संभावना है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, ऐसी सीख गैर जिम्मेदारी और अकर्मण्यता सिखा सकती है। कुछ गुरु सिखाते हैं, यह बात अपनी जगह सही हो सकती है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, लेकिन यह बात पूरी बात नहीं है, अधूरी बात है। हम सब जब तक यहाँ पर हैं खाली हाथ कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए एक भार बन जाएंगे और उनके लिए किसी काम नहीं आ पाएंगे। तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ये बात ठीक है, लेकिन हमें किसी के ऊपर भार नहीं बनना है, और भार नहीं बने इसके लिए हमें उद्यमी होना जरूरी है। और यहाँ पर मैंने जितना मतलब स्यूडो गुरुडम को एक तरह से मतलब प्रस्तुत किया है, साथ ही साथ मैंने एक सोल्यूशन भी दिया है कि मैं गुरु परंपरा के विरुद्ध में नहीं हूं, परंतु अंधभक्त नहीं, व्यक्ति पूजा तो लेश मात्र नहीं। यदि गुरु तत्व के लिए कोई प्रतिबिंब चाहिए ही तो पर्वत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करें, बंद आंखों में रखें यह दीपक की लौ, अग्नि की लौ, अथवा एक विशाल फलदार वृक्ष, यानी ऐसे तत्व जो अपने गुण और व्यक्तित्व से ही बहुत कुछ सिखा देते हैं। बाजार पूंजीवाद और कॉरपोरेट सेक्टर के बीच हम कैसे पिसते हैं उसका एक चित्रण है यहाँ पर। कुछ पुराने परिकल्पनाओं की जो व्यावहारिकता है, शुभ लाभ एक व्यावहारिक परिकल्पना, स्वास्तिक सुअस्तिक, और यहाँ पर का पहला पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहूंगा, शायद हमारे पूर्वजों को अंदेशा था कि कुछ हजारों साल बाद लालच ही लोगों को काम करने पर मजबूर करेगा, इसीलिए उन्होंने शुभ लाभ की परिकल्पना दी होगी। शुभ अर्थात अनुकूल, मंगलमय, धनात्मक, सकारात्मक, मतलब ये कि शुभ लाभ होता है और शायद अशुभ लाभ भी होता है जो लालच के कारण कमाया जा सकता है, लेकिन शुभ लाभ को केंद्र में कैसे रखा जाए इसको व्यवसाय उपनिषद के माध्यम से हम एक बार फिर स्थापित कर सकते हैं। उद्यमिता और पैसे कमाने में कुछ भी गलत नहीं है यदि वो कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर कमाया जाए। आकर्षण को भी बहुत विकृत रूप से समझा गया है और प्रस्तुत किया गया है पश्चिमी साहित्य में, पश्चिमी सोच में, और इस विषय पर मैंने एक बहुत विस्तृत चर्चा क्रमांक 116 में की है, जिसका हेडिंग है स्पंदन के लिए ऊर्जा, ऊर्जा के लिए आकर्षण, ब्यूटी एंड बिजनेस। और सौंदर्य शब्द की एक झलक हमें सत्यम शिवम सुंदरम में मिलती है। सौंदर्य अर्थात वो गुण जो हमें आकर्षित करें। एक दुकान यदि सुव्यवस्थित तरीके से सजाई गई है तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, और उसके पड़ोस वाली दुकान यदि अच्छी तरह से सजाई नहीं गई है तो वहां पर हमारे को जाके शॉपिंग करने का मन नहीं करता। तो आकर्षण और सौंदर्य, प्रस्तुतिकरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो उद्यमियों को एक बार अच्छी तरह समझने की जरूरत है। पुरुषार्थ को भी एक महत्व के साथ मैंने इस पुस्तक में स्थापित किया है। बाजारवाद के निशाने पर भीड़, आत्मनिर्भरता के लिए उद्यम, संकल्प एक पीढ़ी का, और शायद आज के समय में विशेषकर पिछले कुछ महीनों के जो परिस्थिति रहे हैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैसेज बहुत रेलेवेंट हो जाता है। और यहाँ पर इस चर्चा से अंतिम लाइन जो है, अंतरराष्ट्रीय सौहार्द और सहयोग का आधार संस्कृति हो, बाजारवाद नहीं, शायद ये राष्ट्रीय नीति
और राष्ट्रीय डिप्लोमेसी को भी एक दिशा दे सकता है, और जो हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए भी एक एक फंडामेंटल थॉट प्रोसेस बन सकता है। क्योंकि अभी जो चल रहा है, विशेषकर पिछले 30 सालों से जब से LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन चर्चा में आया है, हो ये रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा देश अपना मार्केट किसी अन्य देश के लिए खोल देता है, राइट? तो ये एक अर्थव्यवस्था पर, बाजारवाद पर आधारित अंतरराष्ट्रीय संबंध अल्टीमेटली कड़वाहट की जड़ में होता है, कड़वाहट के बीज बन जाता है, और ये हम बार बार होता हुआ देख रहे हैं। इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि अंतरराष्ट्रीय सौहार्द और सहयोग का वातावरण संस्कृति हो, बाजारवाद नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं ये बात अनोखी या पहली बार बोल रहा हूं, शायद 2-3-4 हजार वर्षों पहले ठीक ऐसा ही होता था। भारत ने पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति से परिचित कराया। ये बात और है कि उन्होंने उस नए समझ का अपने लालच और अपने गलत नियतों के साथ उपयोग करके उसका दुरुपयोग हमारे खिलाफ ही किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय सौहार्द का और सहयोग का आधार यदि संस्कृति हो, ये बात सभी राष्ट्र समझेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय तनावों को दूर करने में बहुत मदद मिल सकती है। अवसर देखने वाली आंखें, संभावना देखने वाली आंखें, बाजार देखने वाली आंखें, तो दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। और ये पुस्तक जो है वैसे तो तैयार है, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिलहाल प्रिंटिंग में नहीं गई है, और इसके कंटेंट को ऑडियो फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करने का प्रोसेस चालू है, और इस ऑडियो के कुछ सैंपल्स advit.org पर उपलब्ध हैं। यदि आप होम पेज पर जाएंगे तो आपको व्यवसाय उपनिषद डिजिटल एक लिंक मिलेगा, एक इमेज मिलेगी, और उस लिंक से आप आगे जाएंगे तो जो पेज खुलेगा वहां पर पेज के नीचे में आपको कुछ सैंपल सेशंस, टोटल 6 सैंपल सेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपके प्रश्न लेना चाहूंगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था अरविंद जी। अर्थव्यवस्था, धर्म, GDP, समाज एवं संस्कृति के बीच का ताना बाना इतने प्रभावशाली ढंग से बुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे आलोक त्रिपाठी जी का हाथ देख रही हूँ, उन्होंने हाथ खड़ा किया है, तो मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ। आलोक त्रिपाठी जी, अगर आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और आप जो भी अपना प्रश्न पूछना चाहें। सर नमस्कार, बहुत अच्छा ही आपका टॉक था, बट मेरा एक प्रश्न है कि मेरा जैसे पृष्ठभूमि जो है वो पूरा पूर्णतया वैज्ञानिक है, और आपने अपने टॉक में बताया कि पूंजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी बिजनेस को करने के लिए। तो अगर कोई वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का आदमी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है और उसको तो पूंजी की कोई नॉलेज नहीं होती है, सो हाउ योर दिस बुक कैन हेल्प टू दोस? डेफिनेटली पूंजी और पूंजी की समझ और पूंजी के मैनेजमेंट और पूंजी के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, इस पर 225 में से लगभग 10 चर्चाएं हैं, और मैंने काफी स्पष्टता से, क्योंकि जैसा आप वैज्ञानिक हैं, मतलब यदि मैं अपने आप को सोशल साइंटिस्ट कहूं तो शायद, मतलब यदि उस अर्थ में लें, कुछ नया करने के लिए वैज्ञानिक होना ही पड़ता है, वैज्ञानिक सोच रखनी पड़ती है, मैं वैज्ञानिक हूं या ना हूं। तो मैंने भी समाज में क्या क्या सुधार लाने की जरूरत है, उसका दिशा क्या होना चाहिए, उस चीज को मैं पिछले लगभग 10 सालों से परखता रहा हूं, और अपने विचार को एक बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे भी पूंजी की जरूरत है। तो आपकी जो आपका जो एक माइंडसेट है, पूंजी कहाँ से आएगा, पूंजी में, पूंजी के बारे में मुझे ABCD नहीं मालूम, लगभग उसी बैकग्राउंड से मैं भी आता हूँ, तो आप अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। और
पूंजी की जीरो अंडरस्टैंडिंग से लेके और एक अच्छे लेवल तक लेके आने के लिए अपने व्यवसाय को जो एक अच्छे लेवल पे लाने के लिए जो जरूरत पड़ती है, जो अंतर्दृष्टि की जरूरत पड़ती है, इनसाइट्स की जरूरत पड़ती है, वो आपको व्यवसाय उपनिषद में मिल जाएगी। और इसमें जो भी बातें लिखी है मैंने, आप 100% भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं विचारों पर मैं स्वयं चल रहा हूं। मैंने भी अभी तक जो एक एक, एक पूंजीवाद का एक रूप होता है जिसमें वो सिर्फ ROI पर फोकस करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितनी तेजी से जितने ज्यादा रिटर्न मिले सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे पूंजी लगाना, ऐसी पूंजी को हम एटलीस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी पूंजी को एंटरटेन ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि हमारे अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी हैं वो मतलब कस्टमर्स और जो 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 हम जिस ऑडियंस को हम सर्व करना चाहते हैं वो हमारे सबसे अच्छे इन्वेस्टर होते हैं। तो हम अपने थॉट प्रोसेस को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को तब तक डेवलप करते रहें जब तक कस्टमर उसके लिए अच्छी एक्सेप्टेंस ना लेके आए। और एक बार ग्राहक यदि एक्सेप्टेंस लेके आते हैं तो फिर पूंजी कभी भी आपके लिए आपके अटकने के कारण नहीं बनेगी। ये मेरे से आप लिखित में ले लें, क्योंकि जो हार्डकोर इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी यही बात देखते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को कस्टमर्स एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट तो कस्टमर से ही आता है। शायद मैं अपनी बात आपको समझा पाया आशीष जी। नमस्कार, बहुत अच्छा आपका सेशन लगा मुझे और मैंने इसको पूरा देखा है जी। मेरा जो प्रश्न है, भारत की जो हमारे व्यवस्था है उसके अंतर्गत, कि हमारे भारत में राजनीति एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। हजारों करोड़ों का व्यापार होता है, 50,000 करोड़ का लगभग चुनाव का व्यापार होता है, जिसके पास पैसा और भीड़ है वो राजनेता बन जाता है जी जी। और वो लोग फिर ऐसे नियम बना देते हैं जो कि पूरे जो व्यवसाय के सिस्टम है उनको स्पॉइल कर देते हैं। आम व्यक्ति उन चीजों को समझ ही नहीं पाता कि जैसे कुछ ऐसी GST को बिना प्रिपरेशन के लागू कर दिया गया, आम नागरिक को समझ में नहीं आता तब तक कोई नए नियम वो लागू कर देते हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं देवेंद्र जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। और देखिए, जो बॉटम लाइन अपनी चर्चा में मैंने कहा कि स्थायी दूरगामी परिवर्तन, राइट, चारित्रिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन और पहचान की परिवर्तन, डेफिनेटली इस तरह की परिवर्तन लाने में समय तो लगेगा। आप जो बोल रहे हैं कि राजनीति अपने आप में बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है, 100% सही है। और मैं आपको बताऊं, राजनीति फ्रंट एंड होता है, उसके भी पीछे बहुत थोड़े लोग, मतलब यदि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बोलें कि यदि हम 435 पार्लियामेंटेरियन भेजते हैं तो 435 पार्लियामेंटेरियन कौन आएंगे, उसको कंट्रोल करने वाले सिर्फ 5 या 10 पूंजीपति होते हैं जी। तो आप जो बोल रहे हैं वो बात 100% सच है और शायद एक कड़वी सच्चाई की तरह हमें इसका सामना करना पड़ेगा। और इसका सामना करने के लिए, जैसा कि मैं अपने प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड था मेरा, 4 तरह की आर्मीज चाहिए। व्यापारी जो वर्ग है, व्यापारी वर्ग में आप 2 लेयर्स यदि आप देख सकें, एक लेयर जो पूरे बाजार को कंट्रोल करता है, मैं बाजार को कंट्रोल करता है शब्द उपयोग कर रहा हूं, बाजार को कंट्रोल करता है, और यह होता है लगभग 2-3-4% बस, और बाकी 96% व्यापारी दिखते तो हैं मेहनत करते हुए लेकिन उनके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो व्यवस्था है इसको बदलने के लिए हमें एक बहुत लंबे परिवर्तन से, ट्रांजिशन से निकलना पड़ेगा और उद्यमिता को सही अर्थों में एक बार फिर से स्थापित करना पड़ेगा।
मैं जिस 96% उद्यमियों की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, अग्रवाल हूं मैं, एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूं मैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं कि ट्रेडर हैं जो 10 12 15 लाख रुपए लगा के दुकान शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि अब तो वे बिजनेसमैन बन गए, जबकि आप उनके फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल्स कहीं पर ठीक नहीं होते। सिर्फ 15 20 50 लाख रुपए लगा के एक दुकान शुरू करने से कोई उद्यमी नहीं बन जाता। उद्यमिता शब्द की गहरी समझ बहुत जरूरी है। जब तक इस समझ के साथ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन तैयार नहीं हो जाएगी, तब तक ये खेल चलता रहेगा। और इसीलिए मैंने एक आपको एक स्क्रीन में याद होगा, एक पीढ़ी को संकल्प लेके सारे मायनों को बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो हाँ, ये एक कठिन समय है, नो डाउट। आपको यदि मतलब एक इशारा देने के लिए एक स्टेटमेंट यदि मैं बोलूं, तो हम जैसे World War I, World War II, World War III या बोलते हैं कि आने वाले समय में लड़ाई पानी के कारण होगी या जिस तरह की बातें बोली जाती हैं, मुझे लगता है अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में है। इस स्टेटमेंट के ऊपर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक लेयर पे जो नीतियों के परिवर्तन होते हैं, वो नीति क्या बनेंगी कैसे बनेंगी अल्टीमेटली वो भी कहीं कंट्रोल होते हैं। और ये एक खुली इंफॉर्मेशन है, मतलब आज आप इस बारे में इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये कठिन समय है, नो डाउट अबाउट इट, और उद्यमिता को वापस से स्थापित करना हम सबकी जिम्मेदारी है, और विशेषकर उद्यमी वर्ग की जो कम से कम आधा समझते हैं, मतलब जो परिवार सिर्फ और सिर्फ जॉब मेंटेलिटी के हैं, उनको शायद समझाने में हमारे को 10 साल लगेंगे, लेकिन जो बिजनेस करते हैं वो एक संकेत मिल जाएगा, एक इंडिकेशन मिल जाएगा तो बहुत तेजी से समझ जाएंगे। और मुझे पूरी मतलब आशा है, और इस बारे में बहुत सकारात्मक हूं, कि एक बार उद्यमी परिवार के हाथ में व्यवसाय उपनिषद ये पुस्तक पहुंचेगी तो सही संकेत मिलते ही बहुत तेजी से परिवर्तन आएंगे। क्योंकि यदि देखिए, यदि आप हाईवे पर जा रहे हैं और सडनली यदि किसी पॉइंट पे जाके, किसी सिग्नल पे जाके आपको कंफ्यूजन हो गई कि मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है या सीधे जाना है, तो आपकी स्पीड एकदम रुक जाएगी। उस पॉइंट पे यदि आपको किसी ने एक छोटा सा संकेत दे दिया कि नहीं यार, ये आपको पुणे जाना है तो सीधे जाओ, तो फिर आप स्पीड पकड़ लेते हो। तो एक छोटे से संकेत के कारण हम अटके हुए हैं कहीं ना कहीं। ऐसे कम से कम 225 संकेत देने वाली चर्चाएं आपको व्यवसाय उपनिषद के अंदर मिल जाएंगी। आप विश्वास करिए, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके प्रश्नों का काफी हद तक समाधान मिल जाएगा। टैक्स सिस्टम के दुरुपयोग, राजनीति और टैक्स सिस्टम और जनसामान्य, इनके बीच जो संबंध है उसके ऊपर भी चर्चाएं इस पुस्तक में हैं। एक पर्टिकुलर चर्चा का शीर्षक मुझे याद आता है, टैक्स के दुरुपयोग के ऊपर, शायद अभी मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा है, पर इस पुस्तक में टैक्स सिस्टम के दुरुपयोग के भी विषय को कवर किया गया है। एक प्रश्न है जो कई बार मेरे मन में उठता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे ग्रंथों में ज्ञान का अपार भंडार है और वो जीवन के सभी पहलुओं को टच करता है, जैसा आज का हमारा विषय था व्यवसाय के ऊपर, उद्यमिता के ऊपर, तो वहाँ उसके बारे में भी काफी चीजें लिखी गई हैं, बोली गई हैं। पर अब जैसा आपने बताया कि हमारी जीडीपी 30% थी और आज हम 5% के आसपास मंडरा रहे हैं, तो संभवतया हम अपने उस नॉलेज सिस्टम से दूर चले गए हैं और हमारी शिक्षा पद्धति उस तरफ नहीं ले जाती है, उससे और दूर करे जा रही है। तो क्या हम कर सकते हैं कि इस ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में अपना सकें और हमारी आने वाली पीढ़ी को उस और मोटिवेट कर सकें, क्योंकि इस ज्ञान का उपयोग होना बहुत जरूरी है, चाहे हम जीडीपी को बढ़ाना चाहें, चाहे किसी और चीज को। महेश जी, आपने प्रिसाइसली वो बात कही है जिस सोच के साथ ये पुस्तक शायद बनी है, क्योंकि
जीडीपी और उद्यमिता सीधे सीधे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, और क्योंकि उद्यमिता कम हो गई है इसलिए अब उद्यमिता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस करना, जो भी काम हमारे हाथ में है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लॉकडाउन के पहले जब मैं इस पुस्तक के संबंध में अनेक छोटे बड़े वर्कशॉप्स में इवन वन टू वन बेसिस पे अनेक जगहों पे मैं चर्चा करता रहा हूँ, तो आर्य समाज में एक मीटिंग थी गुरु पूर्णिमा के दिन फरवरी में, 21 फरवरी या 22 फरवरी के दिन, और वहाँ पर जो वक्ता थे उन्होंने करीब 5 दिन इस पुस्तक को पहले रिव्यू किया था, और उस रिव्यू के बेसिस पे उन्होंने अपनी टॉक दी थी। उन्होंने ये बताया था कि व्यवसाय का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह सामान बेचना या एक फैक्ट्री डालना, जो कोई भी जो काम भी कर रहा है ये उसका व्यवसाय है। एक टीचर का व्यवसाय है टीचिंग, एक कारपेंटर का व्यवसाय है कारपेंटिंग, एक गृहिणी का व्यवसाय है घर को अच्छी तरह से संभालना। तो जब हम अपने काम को इफेक्टिवनेस के साथ करते हैं तो उसके आउटपुट बढ़ जाते हैं, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो डेफिनेटली आपकी बात जो सही, आपकी बात में कहीं ना कहीं उद्यमिता में हम चूक रहे हैं, और जिस दिन हम नौकरी के पीछे भागने के बजाय कुछ प्रोड्यूस करें। देखिए मैं नौकरी या मतलब जॉब मेंटेलिटी के अगेंस्ट में नहीं हूं, देखिए जॉब करते हैं और हर महीने हम 500 रुपए की सब्जियां खरीद के लाते हैं, उस 500 रुपए की सब्जी में 20 रुपए का हम मसाला खरीदते हैं, धनिया मिर्ची और अदरक या इस तरह की चीजें। दो छोटे गमलों में यदि हम अपने घर की टेरेस में या बालकनी में ये छोटे छोटे पौधे उगा लें तो ये अपनी अपनी जगह एक उद्यमिता हुई, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, वी आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट फॉर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ आवर नीड्स। सो दैट इज वॉट स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज एक्चुअली मीन्स, कुछ उत्पादन करना, अपने उपभोग या पैसे खर्च करने की जरूरत को थोड़ा कम करना। सो व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट। तो कुछ जिज्ञासाएं हैं मन में और काफी पुरानी जिज्ञासाएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इस पर रेस्पॉन्ड करें। तो भारत दुनिया की अकेली ऐसी सिविलाइजेशन है जी जिसमें हम धन की पूजा करते हैं। हाँ। धन की जी, मनी जी, राइट राइट राइट। सनातन संस्कृति और भारत संस्कृति में हम धन की पूजा करते हैं जी। बाद में हम आगे चलें तो 15वीं सेंचुरी में अकबर दुनिया के सबसे बड़े बिलियनेयर थे। अच्छा। हिंदुस्तान के जो मुगल राजा थे। हाँ। दुनिया के सबसे बड़े बिलियनेयर थे। ही वाज नंबर वन। ओके। 20th सेंचुरी में हैदराबाद निजाम ही वाज बिगेस्ट बिलियनेयर ऑन द प्लेनेट। और उन दोनों के इस ओहदे तक पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान हमारी एंटरप्रेन्योर सोसाइटी का ही था। अच्छा। क्योंकि वो कुछ प्रोड्यूस करती थी, हम एक्सपोर्ट करते थे, उस समय रेवेन्यू मिलता था। ठीक है। right. तो मेरा जो जिज्ञासा है वो ये समझने की है कि 19वीं-20वीं सदी में एक इंडिया एट ए लार्ज ऐसा क्या हुआ मनोवैज्ञानिक स्तर पर कि हमारी जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट थी वो एम्प्लॉय स्पिरिट में बदल गई। तो इसका जो मूल कारण है वो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रश्न है संदीप जी और जी रिलेवेंट है जी। देखिए उद्यमिता के कारण प्रोडक्शन और प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने के कारण वेल्थ क्रिएट होना, और जो उस पूरी सिस्टम को कंट्रोल करेगा वो डेफिनेटली नंबर वन नंबर टू पोजीशन में आएगा। ये एक बेसिक मंत्र है, ये मान्यता। अब हम उद्यमिता से कब दूर हो गए, और इसके कॉन्टेक्स्ट में मैं दो या तीन बातें बोलना चाहूंगा। नंबर एक, ये एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय शिक्षा पद्धति को तोड़ के किया गया है, राइट।
मैकॉले के स्टेटमेंट का मैंने उदाहरण किया था अपनी एक स्लाइड में, आप यदि शायद शुरू शुरू में आपने ज्वाइन किया होगा तो आपने देखा होगा, या इस टॉक की रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पद्धति की जो स्ट्रेंथ थी उसको समझ लिया था कि जब तक ये शिक्षा पद्धति रहेगी भारतीयों को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो एक षड्यंत्र के तहत एक सोची समझी योजना के साथ भारतीय शिक्षा पद्धति को तोड़ा गया। भारतीय शिक्षा पद्धति उद्यमिता के चारों ओर बुनी गई थी, जबकि जो शिक्षा पद्धति आज हम जानते हैं उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन लगभग 400 साल पहले ही हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के आसपास। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड है 1600-1700 वाला जो पीरियड है वो एक ऐसा पीरियड है जिसके पहले सभी संस्कृतियां उद्यमी थी, क्योंकि लोकली प्रोड्यूस करना, लोकली इंडिपेंडेंट बनना उनकी जरूरत थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो मास प्रोडक्शन शुरू हुआ और इंडस्ट्री में इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए वर्कर्स की जरूरत पड़ी थी। अब वर्कर कहां से आएंगे? एक किसान जो है उसको खेती में काम करना तो आता है, लेकिन यदि आप उसको बोलो कि आज से आपकी जमीन आपकी नहीं है, आपको इस फैक्ट्री में काम करना है और आपको साल में जमीन से जितना फायदा होता है वो आपको महीने में तनख्वाह के रूप में मिलता रहेगा, पर अब आपको फैक्ट्री में काम करना है। तो फैक्ट्री में काम करना उसको आता नहीं था, तो फैक्ट्री और ऑफिस में काम करने के लिए कामगारों और कर्मचारियों की फौज तैयार करने के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था, जिसको आज हम देखते हैं स्कूल और फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है, ये बेसिकली एम्प्लॉय माइंड के पॉपुलेशन को क्रिएट करने के लिए कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है। तो आप यदि एक मिनट को रुक कर देखें तो भारत की पुरातन शिक्षा पद्धति उद्यमी प्रोड्यूस करती है, और जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी पर आधारित तो शिक्षा पद्धति है वो कर्मचारी प्रोड्यूस करती है। और अच्छी बात यह है कि आपने ये जो प्रश्न पूछा है उससे संबंधित चर्चाएं भी व्यवसाय उपनिषद में मैंने इंक्लूड की हैं। शिक्षा का एक बैकग्राउंड मैंने दिया है और शिक्षा के जो 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 इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारे को, एटलीस्ट उद्यमी परिवार क्या कर सकता है, उसको मैंने अच्छी तरह से कवर किया है इस बात में, इस पुस्तक में। शायद आपकी बात, आपके प्रश्न का मैंने There are two questions. Yes. One which I want to respond to the just immediate answer of yours to my friend there. Sandeepji. Yeah. Sandeepji. Yeah. You told that you informed me the changes how the education was education system was reworked or refashioned to the suits of the needs of the industrial The fact now is everybody can't be a producer, right? And everybody can't be an entrepreneur, whatever may be the reasons. The today's fact is about 5-7% would be entrepreneurs, the rest would be consumers basically, they are aam aadmi like me and you. Absolutely. So how aam aadmi, a non-entrepreneur, are not so interested in entrepreneurship, be converted into entrepreneur, one. Right. And second question is, whatever the whole book deals is with businesses, basically entrepreneurship with money as a measuring factor. Absolutely. How it can be morphed for social entrepreneurs? Very relevant questions, Pradeep ji. Thank you so much. And Ruchi ji, tell me if I should respond in English only or I can switch to Hindi. Aap Hindi mein main bata sakte hain, jo main Hindi bhi baat kar sakta hoon, lekin main thank you so much. Thank you so much. you quickly helped Ruchi ji. Thank you so much. Pradeep ji, aapke do prashn hain ki jo default arrangement society ka hai, aisa kabhi nahi hoga ki sabhi entrepreneur hon aur kuch na kuch aise honge
जो एम्प्लॉई या कंज्यूमर की कैटेगरी में होंगे डेफिनेटली। और दूसरा प्रश्न यह है कि जो जो मेजरमेंट है उद्यमिता का एंटरप्रेन्योरशिप का वो मनी है, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इसका क्या रेलेवेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये दोनों प्रश्न भी बहुत अच्छी तरह से इस पुस्तक में कवर हुए हैं। पहले प्रश्न के ऊपर आते हैं। टू वर्ड्स, द पर्सन एंड द क्वालिटी, इस पर डिस्टिंग्विश करें, इस पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें। फोकस हम पर्सन पे ना रखें, फोकस क्वालिटी पे रखें। उद्यमिता एक ऐसी क्वालिटी है जो एक एम्प्लॉई के अंदर भी हो सकती है, और आप इस चीज को अच्छी तरह से बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी टीम जहां उद्यमी के साथ सब कामचोर एम्प्लॉयज हैं, डेफिनेटली उसका उद्यम में सर्वाइव करना, उसका एंटरप्राइज में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो लोग जॉब कर रहे हैं या नहीं वो सेकेंडरी है, लेकिन प्रोडक्टिव बने रहने की जो एक थॉट प्रोसेस है, चरित्र जिसको बोलते हैं, वो लोगों के अंदर इनकल्केट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो एम्प्लॉई हो या ऑफ कोर्स बिजनेस ओनर हो। सो उद्यमिता चरित्र में, उद्यमिता संस्कृति में, उद्यमिता हमारी सोच में और उद्यमिता हमारे व्यवहार में, ये लाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मार्गदर्शन देने के लिए मैंने कम से कम 20 चर्चाएं इसके अंदर की हैं कि एक उद्यमी अपने कर्मचारियों को, अपने बच्चों को, अपने टीम मेंबर्स को उद्यमी बने रहने के लिए कैसे उनका मार्गदर्शन कर सकता है। अपनी अपनी परिस्थितियों के कारण हो सकता है मैंने जॉब लिया हो, ये अलग बात है, लेकिन जॉब लेने के बाद ऐसा तो नहीं कि मैं उद्यमी नहीं हो सकता। अपने जॉब के अंदर हम प्रोडक्टिव बने रह सकते हैं। वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव, मोर एंटरप्राइजिंग विद इन आवर जॉब। वी कैन बी मोर सर्विस ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, इनोवेशन ओरिएंटेड विद इन आवर जॉब। एक मिनट को इमेजिन करिए, आपकी टीम में 10 लोग हैं और 10 के 10 ज्यादा एंटरप्राइजिंग हो जाते हैं, डेफिनेटली हमारे आपके उद्यम की स्पीड और डायरेक्शन कई गुना बढ़ जाएगी। सो परहैप्स दैट आंसर्स टू योर क्वेश्चन। इट इज नॉट अबाउट द पर्सन, द एंटरप्रेन्योर और एन एम्प्लॉई, बट इट इज अबाउट द क्वालिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, नंबर वन। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन की पैसा और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव कवर्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो इन दिस बुक वेरी क्लियर, वेरी 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 मच इन डिटेल, क्योंकि मैं स्वयं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूं। देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा विषय है, जब हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उसके भी बॉटम में जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, जो चीज नियंत्रण करती है, वो ये है कि हमारे पास संसाधन कितने हैं। संसाधन होंगे तो हम स्पीड ले पाएंगे, संसाधन होंगे तो हमारे पास टीम रहेगी। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी एक अच्छे उद्यम के सारे प्रिंसिपल्स लगते हैं, राइट? एक जो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस होता है वो प्रॉफिट निकालता है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स उसको सरप्लस बोलते हैं। तो संसाधनों के मैनेज करने की जो प्रिंसिपल्स हैं, पैसे की मैनेज करने की, कैपिटल को मैनेज करने की जो प्रिंसिपल्स हैं, वो दोनों बिजनेस में लगभग सेम है, फॉर प्रॉफिट बिजनेस या सोशल एंटरप्राइज। तो एक सोशल एंटरप्रेन्योर इनफैक्ट यदि संसाधनों को अच्छी तरह कैसे उपयोग करना है ये सीखेंगे, तो समाज के लिए हम ज्यादा अच्छा, ज्यादा तेजी से और ज्यादा बड़े वॉल्यूम में कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ज्यादा से ज्यादा सोशल एंटरप्रेन्योर्स, ज्यादा से ज्यादा यू नो वेल इंटेंडेड ऑर्गेनाइजेशंस, इवन सेक्टर सेक्शन 8 की कंपनीज हैं जो अच्छा काम करना चाहती हैं, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इस थॉट प्रोसेस का फायदा लें, क्योंकि अल्टीमेटली द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिंग एन एंटरप्राइज, मैनेजिंग एंड योर रिसोर्सेज रिमेन द सेम। Perhaps I have responded to your both the questions, Pradeep ji. Actually, समय का थोड़ा सा अभाव है, मगर मैं ये जरूर जानना चाहता था, आपने कहा कि उपभोक्ता या बाजारवाद हमारे को इसमें धकेल दिया गया है, तो बिना कंजम्पशन के
एंटरप्रेन्योरशिप या प्रोडक्टिवनेस आएगी कैसे? सो वो थोड़ा सा मेरे माइंड में जी जरूर है कि कंज्यूमरिज्म के बिना प्रोडक्शन कैसे होगी। बिल्कुल सही बात। एक मैं आपको एक ही मिनट में छोटा सा हिंट दे देता हूँ। जब हम संस्कृति और उपभोग को आपस में थोड़ा सा मिलाएंगे और इंटरडिपेंडेंस की बात को समझेंगे, देखिए हमारे जितने भी पूजा और त्यौहार हैं उसमें आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति है जो दिए बनाना जानता है तो साल में एक बार एक ऐसा त्यौहार क्रिएट कर दो जहां पर दियों का कंजम्पशन बढ़ जाए तो उसको साल भर की इनकम आ जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो कंजम्पशन जरूरी है लेकिन कंज्यूमरिज्म जिसको बोलना चाहिए कि एक अंधी दौड़ कंज्यूमरिज्म, वो गलत है। पर एक दूसरे को सहयोग करने के लिए थोड़ा बहुत जो केपेबल लोग हैं वो एक दूसरे को सहयोग करने के लिए थोड़ा बहुत एक दूसरे से खरीदते रहें तो डेफिनेटली इससे एक संतुलन बना रह सकता है। थैंक यू।